स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर। SBP बिहार के द्वारा 9 अगस्त 2021 को पत्रांक संख्या 2016 एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कि रिलेटेड है हमारा स्क्रूटनी के रिजल्ट से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हमारे YouTube चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके तक भी हर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचते रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो ये PDF वो कहाँ मिलेगा आपको, मैं वो बता देता हूँ। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप तक कैसे पहुंचना है आपको, तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे ये मेरा वीडियो खुला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो देख रहे होगे जहां मेरा भी कर्सर है, यहाँ लिंक ट्री नाम से DK1028 दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट मी। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा पोर्शन हम लोगों को खुलेगा। तो यहाँ पर मेरा है ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो हमारा इस पे आ जाएगा आपका यू आर सिविल इंजीनियर। आप इस पे जाके जुड़ सकते हो और ये PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलो अब मैं बताता हूँ इस नोटिस के बारे में। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि स्क्रूटनी हम लोग जब करते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था 95% से ज्यादा चांस होता है मार्क्स नहीं बढ़ने का। मैंने ये पहले ही आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा जो बताया जा रहा है कि फरवरी मार्च में 2021 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और पार्ट टाइम डिप्लोमा का जो एग्जाम हुआ था, और जो कि उसका रिजल्ट आया था 29 जून को, ठीक है, 29 जून को हमारा रिजल्ट आया था। और हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा SBTE के द्वारा, लेकिन बहुत सारे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। और उन लोगों ने तब प्लान बनाया कि हम स्क्रूटनी दायर करते हैं, जो होगा देखा जाएगा फिर आगे। तो उसके रिलेटेड SBTE ने दिया है कि जो जो बच्चे यहाँ पर लिस्टेड हैं इस PDF में, जिनका जिनका नाम होगा, जिनका जिनका रोल नंबर होगा, नाम तो नहीं दिया है, रोल नंबर दिया है, वैसे बच्चे का मार्क्स में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया गया है। मतलब अगर आपका मान के चलो किसी सब्जेक्ट में, जैसे ये पहले वाले बच्चे हैं, ठीक है, पहला नंबर ले रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये मान के चलो इनका सब्जेक्ट किसी का था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का था, मान के चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी का होगा। इनको मान के चलो 25 मार्क्स था, उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा कि वो उन्होंने सोचा कि शायद 3 मार्क्स आ जाए और हम पास कर जाए, लेकिन इसके अनुसार ये जो हमारा PDF दिया गया है और SBT ने ऐसा कहा है कि इनका मार्क्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान से सुन लो, यहाँ परिवर्तन नहीं पाया गया, मतलब इनका 25 का 25 ही है और इनको कैरी भी है, मतलब इनका कैरी जैसे था वैसे का वैसे रह गया है, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो जाओ। तो एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बच्चे अपना रोल नंबर अच्छे तरीका से याद है आप सभी को। आगे का जो हमारा होता है, आप लोग कैसे पता कर सकते हो, तो देखो यहाँ से हमारा जो यहाँ पर, जैसे मान के जो पहला रोल नंबर निकाल रहे हैं 3111121903 3, इसमें से जो पहला वाला है हमारा, ये 3 जो है सेमेस्टर बताता है, ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर 111, ये हमारा आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका कोड बताता है ये। अगर आप जैसे ये कॉलेज दूसरा होगा तो उसका कोड बताएगा, हर कॉलेज का अलग अलग कोड होता है। फिर हमारा बताता है ब्रांच का, आप किस ब्रांच से हो उससे बताएगा। फिर हमारा बताता है सेशन का, और फिर बताता है हमारा रोल नंबर का, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस PDF के अनुसार से जितने भी बच्चे स्क्रूटनी के फॉर्म भरे थे उनका रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो मार्क्स उनको पहले था वही मार्क्स है। तो टोटल जो है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कितने बच्चे ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, इससे मैं बता देता हूँ। टोटल मिला के अगर देखा जाए, अप्रोक्स 366 बच्चे ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। अब मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ, 366 गुना, हर पेपर का एक स्क्रूटनी फॉर्म भरते थे अप्रोक्स, मेरे ख्याल से 300 रुपया लगता था, मुझे उतना याद नहीं है, शायद आप सोचो 366 गुना 3 करो, 6 18 6 18 19, 3 3 9 1 10, चल गया ये 2 0। सिर्फ सोचो, ये कॉपी चेक नहीं किया होगा फिर दोबारा 366 बच्चे का,
ये बात सुन लो, ऐसे बैठा दिया होगा लेकिन वो 1 लाख रुपया कमा लिया। यही होता है बिजनेस, एक तरीका से कहा जाए बिजनेस है। ठीक है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था बहुत ही कम चांसेस होती है मार्क्स बनने का। ठीक है, और वही इस बार भी देखने को मिला है। तो टोटल 366 बच्चे का ऐसा देखा गया है कि उनका मार्क्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग देख ले। और ये PDF कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। कैसे जाना है टेलीग्राम में ग्रुप में, हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको ऐसा पेज खुलेगा, हमारा यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इस पे जा सकते हो और यहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।